आपको पता है महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के आगे हाथी की सूंड लगाकर रखते थे, क्योंकि युद्ध में घुड़सवारों को मारने के लिए हाथियों का प्रयोग किया जाता था। इसलिए चेतक के आगे सूंड लगी होने के कारण हाथी कंफ्यूज हो जाता। तभी तो हल्दीघाटी के युद्ध में चेतक हाथी के सर पर पांव रख करके ऊपर बैठे मानसिक तक पहुंच गया, लेकिन जब नीचे उतरा तो हाथी के आगे लगी तीखी तलवार होने के कारण चेतक का पिछला पांव कट गया था। लेकिन स्वामी भक्त चेतक ने अपनी समझदारी दिखाते हुए वहां से इतनी बड़ी मुगलिया सेना के बीच जैसे तैसे कर प्रताप को बाहर और जंगलों की ओर दौड़ पड़ा। पीछे लगी सेना से एक टांग कटी होने के बावजूद भी उनसे तेज दौड़ रहा था और अपनी अंतिम पूरी शक्ति लगाकर तीन पैरों से 28 फुट गहरा नाला पार कर उस पार जा गिरा, जिसके कारण दर्द के मारे जान तो चली गई लेकिन अपने स्वामी को सुरक्षित जंगलों तक पहुंचा दिया। दिल से सलाम है ऐसे घोड़े चेतक को, जहां सिर्फ 4 साल साथ रह करके इतनी बड़ी स्वामी भक्ति दिखाई कि एक जानवर होकर भी चेतक ने अपने दर्द व प्राणों की चिंता नहीं की।